शहर के शास्त्री नगर में आराध्या पीपुल्स फाउंडेशन के द्वारा मधुबनी पेंटिंग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें कलाकारों को मधुबनी पेंटिंग के बारे में जानकारी दी जा रही है, साथ ही उन्हें इस पेंटिंग के बारे में प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। आराध्या चित्रकला के निदेशक रजनीश कुमार ने बताया कि मधुबनी पेंटिंग ऐसी कला है जिसमें अगर प्रशिक्षण हासिल कर लिया जाए तो एक बेहतरीन कलाकार होने के साथ साथ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं। आराध्या चित्रकला में मधुबनी पेंटिंग का प्रशिक्षण लगाया गया है जो 5 दिवसीय है। मधुबनी पेंटिंग की विशेषता यह है कि इसमें चटकीले और विषम रंगों का इस्तेमाल होता है जो देखने में काफ़ी आकर्षण का केंद्र बन जाता है। और ये जो पेंटिंग है वो मिथिलांचल क्षेत्र और मधुबनी क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता है, लेकिन आज ये पूरे बिहार भर में बनाया जा रहा है। खासकर सिवान इसमें सबसे आगे है और अभी ये पूरे विश्व स्तर पर जाना जाता है मधुबनी पेंटिंग। हम लोग के द्वारा सिवान रेलवे स्टेशन और भी स्टेशनों पर मधुबनी पेंटिंग किया जा रहा है। सिवान में कलेक्ट्रिएट के पास बहुत स्थानों पर मतलब मधुबनी पेंटिंग किया गया है और यही सब छात्र छात्राएं सब करते हैं। एक समय में ये विलुप्त होने के कगार पे था, तो ऐसे में क्या जो बच्चे हैं इसके तरफ जागरूक हो रुचि ले? जी, कुछ सालों पहले ये विलुप्तता कगार पर था और जितने भी कलाकार थे जो मधुबनी पेंटिंग करते थे उनकी दयनीय स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। उनकी मतलब आर्थिक रूप से उन्हें मदद भी नहीं मिलता था, लेकिन लगभग 5-6 साल से ये काफ़ी मतलब ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है और हर कोई इसे अपना रहा है, सीख रहा है। यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग सिखाया जा रहा है आराध्या चित्रकला में। ये 5 दिवसीय मधुबनी कैंप है, आज हमारा 4th दिन है। इसमें हम लोगों को परंपराओं से संबंधित चित्र बनाना सिखाया जा रहा है। जो मधुबनी पेंटिंग विलुप्त हो रहा था वो हमारे सर हम लोग को सिखा रहे हैं। हम लोग यहाँ आराध्या पीपल फाउंडेशन के तरफ से ये जो 5 दिनों का कैंप लगा है वो हम लोग अभी मधुबनी पेंटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमें हमारे सर ने बताया है और बहुत कुछ सिखाया है। हम इस मधुबनी पेंटिंग में जो पहले के जो राजा रानी राजा महाराजा बड़े बड़े जो रहते थे वो अपने दीवारों पे चित्रकारी करते थे, जिसे आज हम कपड़ों पे कैनवासों पे और दुपट्टे वगैरह बहुत अपना कारगरी दिखा रहे हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि वो आए और ये देखें। हम लोगों ने जो ये मधुबनी पेंटिंग बना रखा है वो लोग देखें और हमें आर्थिक सहयोग दें। यहाँ पे मतलब कथा से रिलेटेड और पुराने राजा रानियों के मतलब से रिलेटेड यहाँ मधुबनी पेंटिंग जो है वो कपड़ों पे बना कर दिखाया जा रहा है। और ये मतलब 5 दिवसीय कैंप लगा हुआ है यहाँ पे मतलब आराध्या चित्रकला की तरफ से। कैसा लग रहा है ये पेंटिंग बना के? ये पेंटिंग बना के हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग चाहते हैं कि ये पेंटिंग जो है पूरे विश्व स्तर पे फैले। यहाँ पे कथा से रिलेटेड और पशु पक्षियों के बारे में फूल वगैरह पत्ती ये सब सिखाया जा रहा है जो हमारे आराध्या चित्रकला में सिखाया जा रहा है। यहाँ सर के द्वारा हम लोग को बताया जा रहा है कि ये ऐसे ऐसे करना है, कछनी भरनी करना है और ये दर्शाया जा रहा है कि जो ये लुप्त हो रहा था वो हम लोग के प्रति मतलब इसे दर्शाया जा रहा है और इसे लाया जा रहा है। कितना दिन का वर्कशॉप लगा? ये 5 दिवसीय कैंप लगा है जो हमारे आराध्या पीपल फाउंडेशन के लगा है। ये जो मधुबनी पेंटिंग 5 दिवसीय शिविर लगा हुआ है जो आराध्या पीपल फाउंडेशन के द्वारा लगा हुआ है, हम लोग इसमें जो पुरातत्व यानी इतिहास में पढ़ने को मिलता है सिंधु घाटी में जो उस समय जो लिखने का वस्तु नहीं था तो
पेंटिंग बनाकर और पत्थरों पर लिख कर दिया जाता था उसे, उसी को इस जमाने में मधुबनी पेंटिंग के जरिए दर्शा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग की सोच है कि जो वर्तमान इतिहास में बनी हुई थी सिंधु घाटी की तरफ से, वो अभी भी जागरूक रहे मधुबनी पेंटिंग के द्वारा। और यह पेंटिंग, यह शिविर आराध्या चित्रकला में लगा हुआ है आराध्या पीपल फाउंडेशन द्वारा।